हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर लोकेश मित्तल। तो आज हम बात करेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है सर्दी का नज़ला, सर्दी की खांसी। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर बंदा इससे परेशान होता है। तो हमें किस सिनेरियो में डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या उसका घर का इलाज है जो हम कर सकते हैं जिससे हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर्दी का नज़ला, खांसी, ये सब ऑलमोस्ट 90% लोगों को होता है जब सर्दी आती है सीजनल चेंज के कारण, क्योंकि टेम्परेचर डिप होता है और हमारे म्यूकोज़ा को उस टेम्परेचर की आदत ना होने के कारण एक रिफ्लेक्स सिक्रीशंस बनती है जो कि गले में और छाती में और नाक में एकत्रित होती हैं, उसको खांसी के जरिए शरीर बाहर निकालता है या नज़ले के जरिए शरीर बाहर निकालता है। तो क्या उसका आप घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे प्रॉब्लम से पीड़ित हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टीम लीजिए रोज़ 10 मिनट कम से कम, नाक के जरिए लीजिए, मुंह से छोड़िए उसको, ताकि एक सर्कुलेशन में स्टीम काम करे। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 5 दिन लेके देखिए। अगर आप इसमें सॉर्ट हो रहे हो तो वेल एंड गुड, आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम्स फिर भी ठीक नहीं हो रही और आपको ये सर्दी नज़ले की प्रॉब्लम हमेशा से ही ट्रबल करती आ रही है, तो इसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं जो जनरली पेशेंट को तंग करती हैं। पहला है साइनस, जिनको साइनस का नज़ला गले में गिरता रहता है, उनको गर्मियों में भी थोड़ा मोटा नज़ला रहता है बट उसके साथ वो जीने में यूज्ड टू हो चुके होते हैं। दूसरा छाती, जो ब्रोंकाइटिस के रूप में जो नज़ला उनके गले में आता है, ठीक है। और तीसरा हमारे गले के छाले, जिसके कारण वो खांसी करते हैं, जो हमारे अपने पुरानी वीडियोज़ में भी खुल के बताया हुआ है। तो अगर ऐसे केसेस में आपको कोई प्रॉब्लम से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया है, तो आई विल श्योरली रिकमेंड यू कि आप एक ENT डॉक्टर को दिखाइए और अपने इन 3 चीज़ों को चेक कराइए। जैसे कि काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं मुलेठी चूसना, अदरक का कावा, ये सब कुछ करना, आप करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो अपने आप को मेंटली टॉर्चर मत कीजिए इन चीज़ों से कर करके, आप एक बार कंप्लीट एग्जामिनेशन जरूर कराइए। थैंक यू।